हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। बहुत धमाकेदार वैकेंसी निकल के आई है ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, टोटल 696 मतलब 6000 के अप्रोक्स सीट्स के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। आज से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, वेट कर रहे थे लंबे टाइम से कि कब आएगी ALP की न्यू रिक्रूटमेंट, तो आ चुकी है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कितना सीट है, किस किस जोन में रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक फ्रेंड्स जरूर वॉच करना। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि रेलवे में ALP की रिक्रूटमेंट आई है असिस्टेंट लोको पायलट। पहले ही बताया है आपको, टोटल सीट 5696 रहेगा और फॉर्म जो ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा 20 जनवरी, मतलब आज से ये फॉर्म आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट टू अप्लाई 19 फेब 2024 रहेगा। तो 19 फरवरी का इंतजार नहीं करना है। अगर आप भी इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे थे और ऑनलाइन स्टार्ट है, तो जितना जल्दी हो आप फॉर्म अप्लाई कर दो तो बेटर रहेगा। बाद में सर्वर इश्यू वगैरह आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब रही बात की फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा। जनरल ओबीसी EWS से 500 रुपीज लिया जाएगा। वहीं पर SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड फीमेल कैंडिडेट से आपको 250 रुपीज लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होता है कि जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर वो एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम आपने दिया, पास हुए फेल हुए कोई उससे नहीं है, अगर आपने एग्जाम दिया तो जनरल ओबीसी EWS से जो 500 रुपीज लिया जाता है, इसमें से आपको 400 रुपीज वापस कर दिया जाता है। ये रिफंडेबल अमाउंट होता है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल्स का 250 का 250 वापस हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप एग्जाम में नहीं बैठोगे तो ये रिफंड नहीं जाएगा आपको। सो ये क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं कि एज की लिमिट कब से काउंट होगी। तो आपका एज जो कैलकुलेट होगा एज ऑन 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपका मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 इयर्स, मतलब कि 18 से 30 साल के जो भी कैंडिडेट्स हैं सब एलिजिबल रहेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर एक डेट भी कंफर्म किया गया है नोटिफिकेशन में कि बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2006, जो भी कैंडिडेट इनका बर्थ हुआ है 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2006 के बीच, सभी इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स का और SC ST को मिलता है 5 इयर्स का। अब चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या डिमांड की गई है। जैसा आपको पता होगा, इस बार की रिक्रूटमेंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने 10th पास किया है, साथ ही साथ ITI की डिग्री है, NCVT या SCVT। NCVT होता है नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट और SCVT होता है स्टेट लेवल का। तो 10th के साथ जिन्होंने ITI किया है वो भी एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है इंजीनियरिंग में, मतलब जो BTEC वगैरह किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा कोई कोर्स किया है इंजीनियरिंग का, वो सभी एलिजिबल रहेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो फ्रेंड्स, और सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 5 स्टेजेस। पहले स्टेज पे क्या होगा, CBT 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपका पहला स्टेज होगा। उसको क्वालिफाई करेंगे तो फिर से दूसरा आपका CBT 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही वो भी होगा। तो इस फिर आप जब CBT 2 में क्वालिफाई कर जाओगे ना, तो फिर आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CBAT टेस्ट होता है। इसके रिगार्डिंग आप एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को डिटेल में देख लीजिएगा। फिर आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड लास्टली आपका मेडिकल कराया जाएगा सिंपल सा, देन आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगी और ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट स्टेज पर जो आपका CBT 1 होगा उसका क्या पैटर्न है।
तो फ्रेंड्स आपका सीबीटी वन में होगा 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए और टाइम मिलेगा 60 मिनट, मतलब एक घंटे में आपको 75 प्रश्न होंगे 75 मार्क्स के लिए। हर क्वेश्चन के लिए एक मार्क आपको दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का। सो ध्यान पूर्वक आंसर करिएगा जब आप एग्जाम में बैठोगे तो। और सब्जेक्ट वाइज बात करें तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के लिए और करेंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल अगर आप वेटेज देखोगे ना तो इसमें साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। तो जो भी जनरली जो रेलवे की पेपर होती है ना, सब में आपको साइंस और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो ना तो अच्छे से तैयारी करो, आप साइंस और जनरल अवेयरनेस को पूरा अच्छे से पढ़ो, कवर करो उसका सिलेबस, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज आपका नंबर वहां पर यही दिलाने वाला है सब्जेक्ट। चलिए अब जब ये क्वालिफाई करोगे सीबीटी वन तो आपका क्या होगा सीबीटी टू, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू। तो चलिए देखते हैं इसका क्या एग्जाम पैटर्न है। ये आपको दो पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में है आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, टाइम 90 मिनट, डेढ़ घंटे का होगा। निगेटिव मार्किंग एज यू नो ऊपर भी बताया था 1/3 रहेगा। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आपका पार्ट ए में है मैथ का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के से रहेगा 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जैसा ऊपर भी देखा था आपने साइंस का था, साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। सो ये पार्ट ए हो गया। और साथ ही साथ क्या होगा आपका पार्ट बी होगा। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए, टाइम रहेगा आपका 60 मिनट, मतलब 1 आवर का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। इसमें फ्रेंड्स होगा आपका क्या ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब कि जैसा आपको पता है कि आईटीआई होना चाहिए या फिर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तो जिस ट्रेड से आपने किया है आईटीआई या डिप्लोमा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर। 75 क्वेश्चन क्वालिफाइंग रहेगा ये, और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो यहाँ पर है 35% रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसा आपको पता है कि जब ये क्वालिफाई करोगे तभी आपका सीबैट टेस्ट होगा, तो जो आपका सीबैट होता है ना कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी क्वालिफाइंग होता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्वालिफाइंग है तो मिनिमम 42% आपको लाना है। और लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका यहाँ पर होगा। और फिर जब इसमें क्वालिफाई करोगे तभी आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरिट लिस्ट आपका किस आधार पर बनाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में भी क्लियरली मेंशन किया गया है ये चीज कि 75 आपका जो 70% है पार्ट ए, जैसा यहाँ पर देख सकते हो सीबीटी टू का जो पार्ट ए वाला पोर्शन है, इससे आपका 70% जो मार्क्स रहेगा वो लिया जाएगा और 30% आपका डिपेंड करेगा सीबैट टेस्ट पे। तो दोनों को कंबाइन करिए तो यहाँ पे 100% हो गया। उसमें से जो आपका मार्क्स आएगा 70% प्लस 30% उसके बेसिस पे कट ऑफ तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और जैसा आपको पता है कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे किन किन जोन के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट जोन है उसका लिस्ट यहाँ पर लिख पाना पॉसिबल नहीं था। आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जोन वाइज डिटेल, या फिर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए पहले बता देती हूँ कि जब आप किसी जोन में सर्व करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी। आपके जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ना 19,000 से लेके 35,000, मतलब ये डिपेंड करता है जोन वाइज आपका किस जोन में है, कहाँ पे पोस्टेड हो, उसके अकॉर्डिंग 19,000 से 35,000 स्टार्टिंग की सैलरी होती है। रेलवे की जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी वगैरह भी बाद में अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है। एंड आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे सब कुछ और बहुत जल्दी में ये वैकेंसी रिक्रूट भी कर दिया जाएगा। तो मतलब जो भी डिटेल है आप समझ गए हो तो अच्छी बात है। कहीं पर कोई डाउट है, मन में कुछ क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और जैसा पहले ही आपको बताया कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लो, उसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहीं पर मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से फॉलो कर लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।